जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एसएससी जीडी वालों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल के आ रही है। रिजल्ट जो है दोबारा घोषित कर दिया गया है। एसएससी जीडी फिजिकल के लिए रिजल्ट जो है दोबारा घोषित कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कट ऑफ भी जो है आप लोगों की दोबारा, ये लगता है आप लोगों की जो गणपति बप्पा की जो कृपा है आप लोगों पर काफ़ी ज़्यादा बरसने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है फाइनली बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोगों को अपना रिजल्ट चेक करना है, ठीक है। ऑफिशियली जो है आप लोगों का जो है रिजल्ट फिजिकल के लिए दोबारा आ चुका है। तो बहुत बहुत आप लोगों को जिनका नहीं हो पाया उनके लिए काफी बड़ी खुशखबरी यहां पर होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं एसएससी की ऑफिशियल साइट पर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं एसएससी की ऑफिशियल साइट पर। आज ही की डेट में यहां पर आप देख सकते हैं 12 तारीख यानी आज ही की डेट में एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया है एसएससी ने, ठीक है। कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफएस एनआईए एसएसएफ एंड असम राइफल्स जीडी, ठीक है। एग्जामिनेशन 2018 जो डिक्लेरेशन रिसीव्ड रिजल्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट फॉर फिजिकल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिजिकल के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट उनको जो है जो पहले जो रिजल्ट आया था आपका फिजिकल के लिए, ठीक है, जो शॉर्ट लिस्ट आई थी उसको जो है आपका रिसीव्ड रिजल्ट जो है आपका फिर से जो उस रिजल्ट को जो है दोबारा घोषित किया गया। हो सकता है उस रिजल्ट में जो है कुछ प्रॉब्लम रही होगी या फिर जो भी हुआ होगा, लेकिन यहां पर आज ही की डेट में यहां पर देख सकते हैं आपको, यहां पर मैं एसएससी के ऑफिशियल साइट के माध्यम से बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर जो है ये आप लोगों का पीएचडी स्टैंडर्ड के लिए जो है आपका यहां पर जो है आपको दोबारा रिजल्ट घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं, इसमें क्या कुछ बातें कही हुई है इसके बारे में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को तो लाइक जरूर करिएगा। और जिन लोगों का फिजिकल हो गया है या फिर आप लोगों का जो है पिछली लिस्ट में नाम उनको क्या करना है उसके बारे में भी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को पूरा फुल्ली इंफॉर्मेशन बता दूंगा। ये जानकारी आप लोगों को जो है जल्दी से देना था, इस वजह से मैंने जो है जल्दी में ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं ये आज ही की डेट का जो है नोटिफिकेशन है, जो है रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्स्टेबल जीटी इन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, ठीक है। तो ये जितनी भी आप लोगों की पोस्टेज थी उसका रिसीव्ड जो रिजल्ट है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट, ठीक है, फॉर फिजिकल जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए जो आपकी लिस्ट हुई थी जो कि पहले यहां पर सामने कहा गया था, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या बोला गया, द रिजल्ट फॉर कॉन्स्टेबल जी डी इन सी ए पी एफ एस एन आई ए एस एस एफ एंड असम राइफल्स जी डी, ठीक है, एग्जामिनेशन 2018, ठीक है। तो वास डिक्लेयर्ड 20/6/2019 को आपका जो है रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, जो कि आपकी 5,34,52 कैंडिडेट यहाँ पर जो है चूज किए गए थे जो कि आपका फिजिकल के लिए, जिसमें फीमेल थे आपके 68,000, ठीक है, और आपका यहाँ पर लगभग 4,65,000 के लगभग आपका मेल जो है कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे जो कि आपका 20 तारीख को जो रिजल्ट आया था, ठीक है। तो उन्हीं का जो है फाइनल आंसर की को देखते हुए यहाँ पर बोला गया है कि फाइनल आंसर की को देखते हुए आपका जो है रिजल्ट जो है मतलब आपका नंबर बढ़े है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से शिफ्ट के नंबर भी आप लोगों के बढ़े हैं, ठीक है। 11 तारीख की जो है दो नंबर मतलब कौन कौन सी शिफ्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर ऑन रिसीव्ड आंसर की, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग 11 तारीख की सेकेंड शिफ्ट, 11 तारीख की जो है थर्ड शिफ्ट, 12, 21 मतलब कुछ जो है शिफ्ट के यहाँ पर नंबर बढ़ाकर जो है आप लोगों को बुलाया गया है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर जो है आंसर की मतलब 13 ऐसी आंसर की थी जिनमें नंबर आप लोगों के बढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को किस प्रकार से रिजल्ट आप लोगों को देखना है, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फीमेल के लिए जो है लिस्ट बनाई गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखना, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पर आप नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग पोस्टेज के लिए जो है अलग अलग यहाँ पर आप नाम सर्च करिएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर पार्ट ए बी पार्ट बी मार्क नॉर्मल जो मार्क दिए गए हैं कितने दिए गए हैं ये देख लीजिएगा। तो कट ऑफ दोबारा जारी की गई है, तो आपका अगर पिछले बार नहीं हुआ था तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कम कट ऑफ गई है कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक राज्य को लेकर अगर चलूँ तो बिहार का देख सकते हैं यहाँ पर 59/76 पिछले बार का जो मतलब ये था उसके अनुसार कितनी कट ऑफ ज़्यादा गई है कम गई है आप अपना जो है ऑफिशियली जो है पिछले बार कितना नंबर था अपना वो आपने डाउनलोड किया होगा, ठीक है, मार्क जो आपका मार्क दिया हुआ था उसमें आप देख लीजिएगा कितना आपका नंबर था और अभी यहाँ पर कट ऑफ कितनी बताई गई है, ठीक है। तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों को, पिछले मतलब पिछला जो आपका आया हुआ था, ठीक है, पिछला जो आया हुआ था कट ऑफ उससे एनालिसिस करके इसकी अपेक्षा, ठीक है, किस राज्य में कितनी कम ज़्यादा कट ऑफ हुई है, ठीक है, इसका पूरा एनालिसिस करके मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जिनका पिछले बार नहीं हो पाया था, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, इसको ऑफिशियली जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, मैं कंपेयर करूंगा दोनों की लिस्ट, पहली जो लिस्ट आई थी उसको और दूसरी लिस्ट, ठीक है, इसमें किसको फायदा है किसको फायदा नहीं है सभी चीजें मैं यहां पर जो है बताने वाला हूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गणेश, जय गणेश।